लगातार सिर्फ जांजगीर चांपा जिला नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में उद्योगपतियों द्वारा जो जिंदा नाले हैं, जो बहते हुए नाले हैं, उसको लगातार पाटा जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पहले जानना चाहता हूं कि एक तो जिंदा नाले को आप परिभाषित कर दें और जो नाले अस्तित्व में नहीं है उसको बता दें। आपने कहा है तो ऐसे कितने नाले हैं जो अस्तित्व से मिट गए हैं, जो सरस्वती नदी की तरह विलुप्त हो गए हैं। अंत बैठना यार, चुप बैठ जी। चलिए मंत्री जी, पूरा मंत्रिमंडल का मैंने आते ही सवाल कर लिया है, अवसाद से निकाल लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव में हार जीत लगी रहती और छत्तीसगढ़ बुलाइए, सबको यहाँ बुलाइए, कोई कुछ नहीं कहेगा, हम लोग स्वागत कर देंगे विपक्ष में। जिन मंत्री, जिन मंत्री को जवाब देना है तो पंजाब में क्या हुआ साहब? माननीय मंत्री जी, पंजाब में आपकी स्थिति देख रही है, दो सीट है, स्थिति देखना मंत्री जी को जवाब देना। पंजाब में क्यों मोदी जी का निकला जादू? बुला लीजिए अंदर आप सबको। अरे माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न है माननीय सदस्य का, उन्होंने जिंदा नालों की बात की है, तो जो उनके प्रश्न के आशय से हमने यही लिया कि जिंदा नाला है मतलब वो जो रनिंग में है, जिसमें पानी फ्लो हो रहा है, उसी को आप जिंदा नाले के उसमें लिए हैं करके, और उसी के हिसाब से उत्तर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि बहते हुए पानी को कोई रोक नहीं सकता, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, माननीय न्यायालय का आदेश है। उसके बाद भी लगातार जांजगीर चांपा जिला उद्योगों से प्रधान जिला है, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जितने प्रभावशाली उद्योगपति हैं वो नालों को पाट देते हैं, अपने उपयोग के लिए उद्योगों की तरफ मोड़ देते हैं। और ऐसे ऐसे कोई आपके पास उदाहरण है तो उसको स्पष्ट करिए, जिस पे कुछ कार्रवाई किया जा सके। जी, मैं उदाहरण बता देता हूं। माननीय हम अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में निको विस्तारा उद्योग है, जो लाफार्ज के, जो पहले लाफार्ज था, उसमें एक घटना बताता हूं। पिछले बार जो अतिवृष्टि हुई, बाढ़ आया, उसमें समीर सिंह करके वहीं के कॉलोनी का निवासी नौजवान लड़का जो है, वो नाला जब उफान में आ गया, क्योंकि नाला पट गया था, बाढ़ आ गया था पूरे गांव में, तो उस बाढ़ में वो उसकी मृत्यु हुई थी। और नाला पट जाने के कारण कॉलोनी के घरों में पानी घुस गया, गांव में पानी घुस गया, खाली एक उद्योगपति के कारण। मैं ऐसे आपको नाले का नाम गिना देता हूं जो हमारे जिले में है, आप उसको नोट कर लें। छेरका नाला मुड़पार गांव में, यह भी जांजगीर चांपा से लगा हुआ है। कंजी नाला, वो जिंदा नाला है, माननीय अध्यक्ष जी को मालूम है, जांजगीर और अकलतरा के बीच में। चौतड़िया नाला, ये परसदा बलौदा के पास में, छाता जंगल के पास में चौतड़िया नाला है। रक्सा नाला जो जांजगीर और अकलतरा के बीच में है, वहां पर भी उद्योगपतियों ने उसको पाट दिया है और उसकी दिशा बदल दी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इन नालों का आप सीमांकन कराएंगे क्या? माइक, माइक। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इसको जांच कराया है और पूरे 69 का जांच कराया है, और सभी जगह अभी नाले कहीं पर भी पटे नहीं है, लेकिन जो उदाहरण माननीय सदस्य प्रस्तुत कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई बात होगी जो जिन 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 नालों का उन्होंने उल्लेख किया है, मैं चीफ इंजीनियर को माननीय सदस्य के साथ भेज देता हूं और वो स्वयं वहां दोनों जाके देख लेंगे, अगर ऐसी कोई भी बात होगी तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। देखिए, आपके सरकार की थीम वाक्य है नरवा घुरवा गरुआ बारी, तो नरवा उसमें प्रश्न है, उसी नरवा की बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिए आप। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, हो तो क्या, मैंने निर्देश दे दिया। हाँ, नहीं नहीं, आपने नरवा गरवा घुरवा बारी वास्तव में शासन का डीम प्रोजेक्ट है, और इस डीम प्रोजेक्ट को ही सारे उद्योगपति जो है वो रौंद रहे, और शासन इस पर गंभीर नहीं।
मड़वा मदनपुर के में जो मड़वा प्रोजेक्ट है वहां पर मदनपुर नाले में अतिक्रमण कर लिए हैं मड़वा के लोग और पूरा उसमें जो है उसका वेस्टेज मटेरियल बहता है और वो नाला पट गया। कार्रवाई किया जाएगा उस पर, मैंने कह दिया है कार्रवाई होगी जिसने भी किया। मेरा ये आग्रह था कि राजस्व के जिम्मेदार अधिकारियों की उपस्थिति में और हम लोगों की उपस्थिति में क्या उसका सीमांकन कराएंगे और कब कराएंगे, कोई समय सीमा? मंत्री जी ने तो बोल दिया ना, उसकी कोई समय सीमा भी बोल तो दिया और क्या भाई, इससे ज्यादा अध्यक्ष जी ने बोल दिया। चुप बैठो भैया, अभी शपथ लेना शेष है आपका। अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे भी विधानसभा में डोलोमाइट खदान वाले दो नाला, भोथिया से अकल सरा वाले नाला को बंद कर दिए हैं, डाइवर्ट कर दिए हैं, और दूसरा खमहरिया से भोथिया वाले नाले को पूरे पाट करके अवरोध कर दिए हैं, पानी नहीं बह रहा है। जांच करवाएंगे तो उनको भी कृपया सम्मिलित कर लें, हमारे उपस्थिति में एक जांच करा दें। जितने भी नाले वहां अतिक्रमण किए गए हैं आप सबका जांच करवा दीजिए, इनकी उपस्थिति में विधायकों को बुला लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन उसकी समय सीमा तय हो जाए कि कब तक करा देंगे। अभी तो ये भार साधक है, जब जांच की घोषणा करवा सकते हैं तो समय सीमा भी बता सकते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। अब जो मंत्री उत्तर दे रहा है सक्षम है, यशस्वी पिता के। डॉक्टर रमन सिंह जी का प्रश्न आने दीजिए। डॉक्टर रमन सिंह जी, महीना दो महीने का हिसाब दे रहे हैं माननीय मंत्री जी, दो महीने में परीक्षण कर लिया। वो इशारा कहाँ कर रहे हैं? दो महीने कर रहे हैं, बोल दीजिए दो महीने, आपने बोला बहुत जल्दी करवा लेंगे माननीय मंत्री, समय दे दो। नहीं इशारा मत किया करो, बहुत जल्दी। अरे ये राजनीतिक भाषा है, हम लोग 15 साल बोले हैं। टाइम लिमिट बताइए, टाइम लिमिट। तीन वर्ष पहले बिलासपुर जिले में भी गोकने नाले में इसी तरह का अतिक्रमण हो चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गोकने नाला बिलासपुर जिले में भी ऐसे ही विलोपित हो रहा है, तीन वर्ष पूर्व वहाँ अतिक्रमण हो चुका है, वर्तमान का नहीं है। अजय जी ने कहा 15 साल तक हम यही बोलते रहे, यही करते रहे, तो इनसे थोड़ा 15 साल में क्या क्या सब। चलिए डॉक्टर रमन सिंह जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय पे मेरा प्रश्न है। बोधघाट परियोजना सरकार उसको इसको भी अपनी फ्लैगशिप स्कीम में और ड्रीम प्रोजेक्ट में मुख्यमंत्री जी द्वारा आधा घंटे की यहाँ पे भाषण में चर्चा करते रहे और ये बताते रहे कि 22,000 करोड़ की योजना, 3,00,000 हेक्टर में इसमें सिंचाई होगी। बस्तर के विधायकों का बैठक हो गया, बस्तर में बड़े बड़े पोस्टर छप गए मुख्यमंत्री का स्वागत कि बोधघाट परियोजना को वापस ला रहे हैं। जब ये सारी बातें हो गई उस दिन मैंने इसी विधानसभा में यहीं खड़े होकर कहा था कि महाराज ये हाइपोथेटिकल बात मत करिए, परिकल्पना की बात मत करिए, आने वाले 3-4 साल में आप इसका डीपीआर नहीं बना पाओगे, एक ईंट एक पत्थर नहीं रख पाओगे। बस्तर के विधायकों को भ्रम में और झुंझुना फैला के बस्तर के लोगों को वोट लेने की साजिश, अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हो। आज वही हालत हुआ है। इस प्रश्न का जवाब यही बता रहा है कि सरकार इसमें ना गंभीर है, ना बोधघाट परियोजना पूरी होगी, ना बोधघाट। आज इस प्रश्न के उत्तर में जो बताया गया है कि इतनी महत्वपूर्ण योजना, इस महत्वपूर्ण योजना में यदि उसका आज सीधा सीधा इन्होंने इनकार कर दिया कि परियोजना के सर्वेक्षण डीपीआर हेतु राशि स्वीकृत किए, डीपीआर बनाने का समय सीमा बताना संभव नहीं है, यानी डीपीआर का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, तो फिर क्या काम शुरू हो रहा है? इन्होंने कहा कि अभी तो सीधा सीधा परियोजना का विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वे हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न महत्वपूर्ण इसलिए ये है कि सर्वे भी होता है और डिटेल रिपोर्ट जब आती है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। इसमें पर्यावरण की स्वीकृति होना आवश्यक रहता है, इसमें जन सुनवाई आवश्यक होता है, इसमें सिंचाई और बाकी लोगों के राज्य सरकार और केंद्र सरकार की अनुमति, सबका उत्तर निरंकार है। यथा समय ली जाएगी कार्य। अरे जब आज की स्थिति में यथा स्थिति है, राज्य सरकार की अनुमति नहीं है, केंद्र सरकार की अनुमति नहीं है, पर्यावरण का क्लियरेंस नहीं है, राज्य सरकार और किसी की अनुमति नहीं मिली है, इसका जन सुनवाई नहीं हुआ है, तो यहाँ विधानसभा में बड़ी बड़ी बात करके आधा घंटा भाषण देके कि हम इस 22,000 करोड़ प्रोजेक्ट में बस्तर में
57% इरिगेशन ला देंगे। उसी दिन मैंने और नेता प्रतिपक्ष और हमारे सभी सदस्यों ने कहा था यह हाइपोथेटिकल परियोजना को यहाँ पे समय ना ले। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसके सर्वे के बाद डीपीआर बनाने की प्रक्रिया कितने समय में शुरू कर सकते हैं और कब तक की जाएगी। कोई ऐसी कार्य योजना सरकार की है या सरकार इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दी है कि जैसे थी, और इसके लिए अब कम से कम बोध के बारे में बात करना बंद करें। सर प्रश्न क्या था एक बार फिर जी, प्रश्न एक्चुअल प्रश्न क्या है, मूल प्रश्न बता दीजिए। इसका सर्वे का प्राथमिक रिपोर्ट में क्या क्या कंपोनेंट और क्या क्या चीजें की कमी बताएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भारत सरकार का उपक्रम है वापकोस, ये एक मिनी रथ जिसको कहा जाता है हमारे भारत सरकार का, उसके द्वारा इसकी डीपीआर तैयार की जा रही है और अभी लगभग 70% इसमें काम पूरा किया गया है। सर्वे का 70% काम पूरा किया गया है। इसकी समय सीमा फरवरी 22 तक की गई थी जिसको एक्सटेंशन अभी किया गया है। आगे समय सीमा इसमें बताना। ये सर्वे में परसेंट आगे 70% का काम, जबकि जो मेन कंपोनेंट मैंने पहले ही बता दिया उसको सरल करने की दृष्टि से कि भाई राज्य का अनुमति, केंद्र का अनुमति, जन सुनवाई, पर्यावरण स्वीकृति, सभी में यथा समय की जाएगी, यथा समय की। तो आज शुरू क्या हुआ है, कोई चूना डाल दिया 10 रुपया के लेके वही सर्वे हो गया। आज यदि जिस कंपनी को आपने, कौन से कंपनी को जिसको आपने सर्वे के लिए काम दिया है, डिटेल सर्वे के लिए किस कंपनी को आपने काम दिया है, आपकी जानकारी है? इस प्रश्न को थोड़ा ऐसा कर दें, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्न चाहते हैं। मंत्री जी अस्वस्थ हैं तो मैं नहीं चाहता नए मंत्री को परेशान करूं मैं। आप आधे घंटे की चर्चा ले लीजिए, जब तक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं, इसमें आधे घंटे की चर्चा ले ली जाए। मैं तो आधा घंटे की चर्चा स्वीकार। धन्यवाद सर, धन्यवाद। केशव प्रसाद चंद्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। झारौंदा बित्रक डहर, इसकी स्वीकृति माननीय मंत्री जी ने जवाब में दिया है 23/6/1990 को मिला है और मात्र अभी 32 साल हुआ है। वन विभाग से एनओसी नहीं मिला है, एनओसी नहीं मिलने के कारण नहर का निर्माण नहीं हुआ और 6-7 गांव सिंचाई से वंचित हैं। पूर्व में भी माननीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न लगाया था, मंत्री जी मुझको आश्वासन दिए थे कि चीफ इंजीनियर को भेज करके मौके का निरीक्षण करवाएंगे, यथाशीघ्र एनओसी लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं भोपाल तक गया था, बताया कि भोपाल में एनओसी मिलेगा, तो मैं भोपाल तक गया। विभाग कहीं प्रक्रिया को बताता नहीं है कहां से एनओसी मिलेगा, क्योंकि विभाग के अधिकारियों का तो कुछ आना जाना नहीं है, सिंचाई हमारा अवरोध हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि ये नहर, चाहे वन विभाग से एनओसी लेने की बात हो या पूरा करने की बात हो या कोई वित्तीय बात हो, ये कब तक इस नहर को बना करके इससे सिंचित होने वाले गांव को आप पानी देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो काम रुका हुआ है वो वन विभाग से एनओसी के कारण रुका हुआ है, ये बात सत्य है। और इसमें जो डिले होने का मेन कारण ये था कि दो बार इसको चेंज किया गया, क्योंकि नागपुर जो रीजनल ऑफिस है उन्होंने पहले इसमें कहा कि इसको 9.6 हेक्टेयर के लिए बनाइए और फिर उसको चेंज करके वापस 6.2 हेक्टेयर का करने का कहा, और जबकि शुरू में इसको 6.2 हेक्टेयर के लिए हमने प्रोसेस किया था, लेकिन बाद में उन्होंने चेंज किया और अभी 16/12/2020 को हमने फिर से सबमिट किया है। तो उम्मीद यही है कि बहुत जल्दी इसका परमिशन हमको एनओसी मिल जाएगा और उसके बाद काम चालू हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एनओसी तो केंद्र सरकार देती है ना, आपको एनओसी केंद्र सरकार देगी? जी हाँ, आपने वहाँ भेज दिया है जी, आपको कुछ कहना है? माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात जो है माननीय मंत्री जी बता रहे हो हमको मालूम है, और केंद्र सरकार की बात नहीं है, राज्य सरकार ही देगा इसका एनओसी। इन लोग मेरे को भटका करके भोपाल भेज दिए, वहां आप जाइए तो वहां एनओसी मिल जाएगा। एनओसी कौन देगा नहीं देगा यह बात अलग है। 32 साल माननीय अध्यक्ष महोदय, 32 साल 90 से है
और 32 साल हो गया और 32 साल तक यही प्रक्रिया चलते रहेगा और यथाशीघ्र बोलेंगे। माननीय मंत्री जी से निवेदन है, 8-10 गांव के लोग पानी से वंचित हो रहे हैं, कृपया समय सीमा बता दे। जब तक आप समय में नहीं बांधेंगे आपके अधिकारी कोई काम नहीं करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें चूंकि ये केंद्र सरकार एनओसी देना है इसलिए हम लोग इसमें समय सीमा नहीं बता सकते। चलिए, रजनीश कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी आएंगे तो मैं खुद आपको लेके बैठूंगा, मेरे जिले का ही मामला है। रजनीश कुमार जी, मेरे विधानसभा का भी मामला है। हाँ ठीक है, आप लिख के दीजिए। इसमें एक मामला है माननीय अध्यक्ष जी, मैं 2 मिनट बोलना चाहूंगा। मेरे राजीव विधानसभा में पीपलशेड़ी, कनेसर, गनियारी, बहुत सी ऐसी आज से 20 साल पहले लंबित योजनाएं थी जिसको कलेक्टर से एनओसी मिली या नहीं मिली उसको जरा ये चेक करा लें, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। कलेक्टर से पहले एनओसी मिलेगी वहीं से बेस पूरा स्टार्ट होता है। चलिए रजनीश बाबू जल्दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो आज का प्रश्न रेडियो ट्यूट के ऊपर है, मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहूँगा कि माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो 20,000 लगभग महिला स्व सहायता समूह को रोजगार दिया था और ये सरकार जो छत्तीसगढ़ अस्मिता की बात करती है, 127 करोड़ गोधन न्याय योजना की बड़ी बड़ी प्रचार करती है, लगभग 20,000 महिला स्व सहायता समूह के 1,000 करोड़ के प्रतिवर्ष जो इनको रोजगार और उनके परिवार को काम मिला हुआ था उसको छोड़ करके इसको बीज निगम और उद्योगपति देने के क्या कारण है? क्या इसके महिला स्व सहायता समूह इसके लिए सक्षम नहीं थे, उसमें कोई कमी पाई गई थी या उसके कोई और कारण है? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें परिवर्तन करने का कारण है कि भारत शासन के पत्र अनुसार 24 फरवरी 2009, मई 2012, मई 2013 में भोजन पोषण और भोजन मापदंड में संशोधन तथा अनुसार पूरक पोषण आहार व्यवस्था में टेक होम राशन अंतर्गत रेडी टू ईट एवं आंगनबाड़ी केंद्र में गर्म पका हुआ भोजन प्रदाय करने का निर्देश था और मई 12 में संचालित मशीन से निर्मित मानव स्पर्श रहित माइक्रो न्यूट्रिशन युक्त फोर्टिफाइड निर्धारित मानक आरडीए की पूर्ति एवं संक्रमण रहित रेडी टू ईट का निर्माण महिला मंडल, महिला समूह, ग्राम समुदाय या उत्पादनकर्ता जो उपरोक्त अनुसार मानकों की पूर्ति करने में सक्षम और 13 में दिए थे फूड सेफ्टी एवं हाइजीनिक के संबंध में पूरक पोषण आहार निर्माण में साफ सफाई व स्वच्छता आदि निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। और हम लोगों ने महिला समूह का कार्य कहीं नहीं छीना गया है, गर्म भोजन में अभी भी हमारे महिला समूह ही दे रहे हैं, मुख्यमंत्री पोषण आहार में भी अभी भी हमारे महिला समूह के द्वारा ही प्रदत्त किया जा रहा है। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 2013-2009 के संदर्भ का माननीय मंत्री जी यहाँ पर उदाहरण दे रही है, क्या मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ सरकार के चीफ सेक्रेटरी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कोई हलफनामा दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2006, 2010 और 2019 में महिला स्व सहायता समूह को ही काम देने का कोई निर्देश प्राप्त हुआ है या नहीं? बिल्कुल, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का पूरा आदेश है, आप कहेंगे तो मैं आप दिखा देती हूँ या पटल में रख देती हूँ। उसमें क्या दिया है और उस आदेश में क्या है? मानव रहित बच्चों को देना आपको बताई थी मैं, पोषण आहार स्वचलित मशीन से निर्मित मानव स्पर्श रहित माइक्रो न्यूट्रिश युक्त फोर्टिफाइड निर्धारित मानक आरडीए की पूर्ति एवं संक्रमण रहित रेडी टू ईट का निर्माण करना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें साफ ये निर्देश है कि ग्राम पंचायत के ही महिला स्व सहायता समूह को इस तरह के काम दिए जाएंगे और दूसरा, यदि आप सबको सहयोग कर सकती हैं तो जो मशीनरी की बात आ रही है जिसके कारण आप ये काम छीन रहे हैं, तो क्या महिला स्व सहायता समूह को हम पैसा दे करके उनको ये सिस्टम नहीं उपलब्ध करवा सकते कि ये काम उन्हीं के पास रहे? क्या उनको ऋण उपलब्ध करा के ये काम नहीं किया जा सकता? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न, आप 52,000 आंगनबाड़ी के जो 24 लाख रेडी टू ईट के जो काम करने वाले हैं प्रतिमाह 1 अप्रैल से आप चालू हो जाएगा करके बता रहे हैं, क्या आप जिम्मेदारी से काम बता सकती हैं कि 1 अप्रैल से बीज निगम और उद्योगपति के पार्टनरशिप में जो काम चालू होने वाला है वो फर्म चालू हो जाएगा?
बिल्कुल हमारा प्रयास है, 1 अप्रैल से हम इसको चालू करवा लेंगे। अध्यक्ष महोदय एक मिनट, नहीं अध्यक्ष महोदय 1 अप्रैल से सप्लाई चालू हो जाएगा, बता रहे हैं माननीय मंत्री जी, रायगढ़ संयंत्र जहां का उत्पादन होगा उस संयंत्र का निर्माण केंद्र सरकार व कोर्ट के मापदंड अनुसार कितना खर्च हुआ है, कौन खर्च किया है, क्या है, पूरी तरह मापदंड के लिए तैयार है और 1 अप्रैल को आप चालू हो जाएगा बोल रहे हैं, क्या इसको पूरी जवाबदारी से बोल रहे हैं, क्योंकि अभी जो जानकारी है वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ, तो इस संबंध में आप बताइए। बिल्कुल बीज निगम तैयार है, जो उनकी एजेंसी है वो तैयार है और हमें विश्वास है कि 1 अप्रैल तक चालू। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय एक प्रश्न, माननीय अध्यक्ष महोदय जिस कंपनी को आपने काम दिया है उस कंपनी का मालिक कौन है और कहाँ की कंपनी है, वो बाद में बताएंगे आप। चंद्राकर जी, माननीय अध्यक्ष जी, आप से 2 मिनट संरक्षण चाहूंगा, इसके उत्तर में नवीन व्यवस्था प्रक्रियाधीन होने के कारण महिला स्व सहायता समूहों की नियत संख्या बताया जाना संभव नहीं है, इसी हम लोगों ने जो प्रश्न किया है मेरे प्रश्न के उत्तर में उसकी संख्या बताई गई, माने अधिकारी या मंत्री तैयारी से आते हैं कि नहीं आते हैं ये मैं नहीं जानता, एक तो मुझे जो संख्या बताई गई है भले वो इस प्रश्न से उद्भूत हो रही है तो वो संख्या कितनी है और आपने इस प्रश्न में उसको क्यों नहीं बताया ये बताइए, एक प्रश्न में वो उत्तर में है शिवरतन शर्मा जी के प्रश्न के उत्तर में, फिर मैं एक प्रश्न की अनुमति और चाहूंगा आप उसी को कर लीजिए, उसको भी कर लेता हूं, उसको कर लीजिए। मेरे प्रश्न के उत्तर में आप देखेंगे कि BBS फ्रूट प्राइवेट लिमिटेड छत्तीसगढ़ कृषि बीज विकास निगम, प्रश्न संख्या बताएं जरा, मेरा प्रश्न संख्या में एक मिनट में बताता हूं आपको सर, मेरा प्रश्न संख्या है ये 13 नंबर है, 13 नंबर में पूछवे ना परिवर्तित अतारंकित 13 नंबर, अतारंकित 13, तो उसमें PBS फूड प्राइवेट लिमिटेड और कृषि बीज विकास निगम के बीच संयुक्त उपक्रम एग्रो फूड लिमिटेड कारपोरेशन का गठन किया गया, 2 संचालक उसमें कृषि बीज विकास निगम के हैं, छोटे छोटे कर्मचारी, और 74% एक शिशिर रावत और एक सुरेंद्र सिंह का है, एक नई दिल्ली का है, एक हरियाणा का है, जो रायगढ़ में मिरासी कोरासी क्या नाम है उसका इसमें लिखा है उस सरपंच उसका, तो मैं माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि बीज विकास निगम उसको संचालित कर लिया है और तैयार है, उसका उपक्रम तैयार है, मैं एक तो संख्या क्यों नहीं बताई उसको पूछा, इस संस्थान 1 अप्रैल से लोग करेंगे, 3 महीने से बंद है रेडी टू ईट, इस संस्थान का मेरी उपस्थिति में या किसी भी कांग्रेस की उपस्थिति में सदस्य की उपस्थिति में रायगढ़ में आप निरीक्षण करवाएंगे क्या कि वो चालू है बंद है और कब तक चालू होगा, उसके लिए रायगढ़ में आप निरीक्षण करवाएंगे क्या, सरकार बैठी और नहीं तो उसके बाद कैसे बोल दिया रेडी टू ईट बंद है, कहां बंद है रेडी टू ईट समूह के द्वारा, अच्छा चालू होगा 1600 आपने जो उत्तर दिया शिवरतन के जी के प्रश्न में बोले थे सब मशीन के द्वारा संचालित होगा, तो इतने महिलाएं समूह इसमें काम कर रही थी वो उनका बंद होकर उसमें होगा, परंतु ऐसा नहीं बोली हूँ कि उनका काम छीना जाएगा, परंतु महिलाओं का जब संचालित होगा तो वितरण का काम हम महिला समूह से करेंगे। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपसे संरक्षण चाहता हूँ, मेरा प्रश्न हालांकि नहीं है लेकिन जिस संस्थान से बीज विकास निगम के पास तो एक ही संस्थान है रायगढ़ में, चीफ सेक्रेटरी चलेंगे क्या मेरे साथ, महिला बाल विकास आपके साथ जाएंगे क्या, उसमें 74% की हिस्सेदारी में छत्तीसगढ़ के एक बड़े आदमी को हिस्सेदार बना के भ्रष्टाचार किया गया है, ये मेरा आरोप है। चलिए आपका और वो संस्थान बंद है छत्तीसगढ़ के बच्चों को कुपोषित करने का ये षड्यंत्र है माननीय अध्यक्ष महोदय, और भ्रष्टाचार का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। माननीय जी शर्मा जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि 22/11/2021 को कैबिनेट के निर्णय से ये बीज निगम को देने का निर्णय हुआ, मंत्री जी बता रहे हैं
और मंत्री जी ने इस निर्णय के पीछे तीन पत्रों का उल्लेख किया। आपका पूरक प्रश्न थोड़ा छोटा होना चाहिए प्लीज, आप छोटा नहीं जो उल्लेख किया है। आपका सातवां नंबर नहीं आएगा। 9, 12 और 13 में जो भारत शासन का पत्र है उस पत्र का उल्लेख किया है, पत्र का उल्लेख किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2013 के पत्र पे 2022 पे कार्रवाई हो रही है, 9 साल बाद कार्रवाई करने का कैसे सूझा शासन को, एक पहला कारण ये बता दें। और दूसरा कारण, जब 22/11 को कैबिनेट ने डिसीजन लिया तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की कॉपी मेरे पास भी है, और इसमें स्पष्ट निर्देश है कि इसका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, पंचायत या पंचायत के छोटे समूह को देने की व्यवस्था होना चाहिए। क्या कैबिनेट को इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की जानकारी दी गई थी कि नहीं दी गई थी, ये बता दें आप। कैबिनेट का निर्णय वो कैसे बताएंगे यहाँ पर? बिल्कुल, इसमें आपने बोला आपके सरकार ने भी इसमें प्रयास किया था, परंतु आप लोगों ने डर के कारण इसमें चालू नहीं किए। हम लोगों चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में कुपोषण जितना जल्दी खत्म हो जाए, इसलिए हम लोग ये योजना को संचालित करने प्रयास। अच्छा, वो भारत शासन ने जो पत्र दिए वो काफी हमको उपलब्ध करा देंगे क्या? भारत सरकार ने जो तीन पत्र दिया है जिसका आपने उत्तर में उल्लेख किया है, आपने अभी पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया, उसकी कॉपी उपलब्ध करा देंगे क्या? बिल्कुल करा देंगे, दिलवा दीजिए। चलिए कौशिक जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो भारत शासन के पत्र के जो हवाला दे रहे हैं मंत्री जी कि 2013 और उसके अनुसार से ये रेडियो टू एड को बेचने का जो काम कर रही है, एक तरफ मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं, छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं, जनता ने बता दिया यहाँ घुसने की हिम्मत नहीं हो रही है, तो हिम्मत नहीं हो रही। मोदी लहर कर दी थी। चलिए चलिए, ये जनता है। पंजाब में मात्र 2 सीट है आपको, पंजाब में 2 सीट। मरकाम जी प्लीज, वहाँ क्यों नहीं चला? मरकाम जी प्लीज, चंद्राकर जी आप लोगों को उत्तेजना मत निकाले, आप प्रश्न काल में उत्तेजना मत दिखा, सीट पास नहीं निकाले। मत आप शुरू नहीं की, आप सीनियर हैं, आप उत्तेजना मत फैलाइए, प्रश्न काल को छोड़ दीजिए, शून्य काल में उत्तेजित होइए। रोज उत्तेजना की दवा मंत्री जी लगता है। दो प्रश्न है कि मुख्यमंत्री जी जो छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ी की बात करते हैं, आ गए मुख्यमंत्री जी आप समेकित विकास की बात करते हैं, अजय जी आप बताइए ना, आ गए मुख्यमंत्री जी आप। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बीज निगम और पीबीएस फूड्स की जो ज्वाइंट वेंचर है, इसमें कितने परसेंट की भागीदारी किसकी है, एक तो ये आप बता दें। और दूसरी बात, उस समय जब 13 की आप बात कर रहे हैं तो तत्कालिक जो चीफ सेक्रेटरी थे, उप चीफ सेक्रेटरी ने क्या लिखा है उस समय कि जिसके कारण में महिलाएं चला रही थी, किसी को देना नहीं पड़ा, तो उन्होंने क्या टिप लिखा है नोट शीट में, उसका दो बातों का मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, दोनों का आप उल्लेख करें। एक को तो बता सकते हैं, दूसरे नहीं बता। बिल्कुल, मैं चीफ सेक्रेटरी वाला आपको पूरा वो बंच आपको मैं प्रस्तुत कर दूंगी। और जो बीज निगम की है 26% और बीपीएस फूड प्राइवेट लिमिटेड की 74% हिस्सेदारी है, जिसकी लागत 7 करोड़ है। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, ज्वाइंट वेंचर में भागीदारी परसेंट कितना है, बीज निगम का कितना है, तो वही तो बताइए। और जिसको आप नहीं हो, 400 में नहीं जा रहा हूँ, परसेंट में बता दो। परसेंट ही तो बता रही हूँ, एग्रो फूड कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीज निगम की 26% है और इसका फूड प्राइवेट लिमिटेड की 74% है। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ को बेचने का काम, माननीय अध्यक्ष महोदय,
ने परसेंटेज पूछा। एक मिनट बैठिए प्लीज, आप लोग बैठिए प्लीज, सुनिए 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 सुनिए, आप सुन तो लीजिए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आपने परसेंटेज पूछा, उनने परसेंटेज बता दिया, अब क्या तकलीफ? मैं उसमें जांच की बात कर रहा हूँ। जांच करेंगे सर, धनंजय साहू जी, मैंने अगले प्रश्न के लिए धनंजय साहू को बुला लिया, प्लीज बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए प्लीज, प्लीज प्लीज, धनंजय साहू जी, नोएडा की कंपनी छत्तीसगढ़ के प्रत्येक वर्ष 1,000 करोड़ का मामला है और छत्तीसगढ़ के 20,000 महिलाओं का किसकी जांच कराएंगे? जब उनने बता दिया ठीक है, लेन देन की क्या जांच कराएंगे? ऐसी बात संपूर्ण मामले की जांच करा दिया, खुला भ्रष्टाचार है, ओपन भ्रष्टाचार, छत्तीसगढ़ में 10 साल कोई भ्रष्टाचार को मामला आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, न्याय योजना लागू कर रहे हैं। छोड़े छोड़े, आप लोग क्या चाहते हो भाई, स्पष्ट करने दीजिए ना। देखिए 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 सदस्यगण, माननीय मंत्री जी पूरी सक्षमता के साथ उत्तर दे रही हैं, आपको सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो सक्षम है। माननीय बता नहीं, आप बैठ जाइए प्लीज, संरक्षण नहीं नहीं बैठिए आप, संरक्षण का मतलब धनंजय साहू जी अध्यक्ष चलिए क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? अरे सुनने दीजिए प्लीज, बैठिए, हम लोग सुनते हैं, हम लोग सुनते हैं, इसका मतलब हर मंत्री के ऊपर चढ़ाई की जाती है, मंत्रियों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। चलिए गलत बात है, माननीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न का सरलता से नहीं आया, ये अच्छे से प्रश्न कर, मैंने दो पार्टी ने पूछा, महिला मंत्री उस समय के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी ने जो पत्र लिखा और पत्र मानने के बाद में ये जो रेडी टू ईट का काम है महिलाएं करती रही, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है महिलाओं के पक्ष में, वो भी किसी एक व्यक्ति को ठेका में देने का नहीं है, वो आप उसका पत्र का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का भी देख लीजिए, चीफ सेक्रेटरी का जो पत्र है, चीफ सेक्रेटरी का जो पत्र है, उस पत्र के कारण में जो नोट सीट लिखा उनके हाथ से नहीं छीना गया, महिलाओं के हाथ में रही, और इसलिए मैंने कहा कि मंत्री जी का जवाब स्पष्ट नहीं आया है, इसलिए इसकी संपूर्ण जांच करा ले, पंजरी फैक्ट्री का जांच करा ले, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का जांच करा ले, और उसके बाद में चीफ सेक्रेटरी का पत्र का जांच करा लें, ये सारी चीजों को जांच कराएंगे तो जो 20,000 महिलाओं के हाथ से ये रोजी रोटी छीनने का काम ये सरकार कर रही है केवल भ्रष्टाचार करने के लिए, ये 20,000 महिलाएं बच जाएंगी, उनके काम हाथ में रहेगा, इसलिए 1,000 करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष 1,000 करोड़ रुपए आप बैठिए प्लीज, इसलिए अध्यक्ष महोदय इसमें जांच होनी चाहिए इन बातों का, जिन बातों का मैंने उल्लेख किया, आपने जिन बातों का उल्लेख किया है उन्हें बता दिया कि चीफ सेक्रेटरी का पत्र भी उनके पास है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी उनके पास, निर्देश भी है, लिखा क्या है तो बता देंगे ना, आप रख देंगे ऊपर, आप तो पढ़ते रहिएगा, बताएंगे तभी तो स्पष्ट, इसलिए उन्होंने कहा मैं रख दूंगा, आपने आपके पास है चीफ सेक्रेटरी का पत्र, आपके पास है पत्र नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दे है इसकी बात हो रही है, अध्यक्ष महोदय धनंजय साहू जी, अध्यक्ष महोदय एफिडेविट की बात हो रही है, चलिए हो गया, बहुत प्रश्न हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जिस आर्च ब्रिज के बारे में राजीव के बारे में प्रश्न किया था, निर्माण कार्य पूरा हो गया और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन भी हो गया, उसके लिए मैं शासन को बहुत बहुत चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद कुमार शर्मा जी,
किसको आपने धन्यवाद दे दिया? धन्यवाद दे दिया माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन एक निवेदन था, इसमें मैंने प्रश्न जो पूछा था वो लक्ष्मण झूला का तकनीकी जो त्रुटि के बारे में मैंने पूछा था, जिसके कारण आर्च बीच को उतारा गया था, और उस पर जो जवाब आया है कि उसमें कोई तकनीकी त्रुटि नहीं पाई गई। यदि तकनीकी त्रुटि पाई नहीं गई थी तो उसको क्यों उतारा क्यों गया था? उसको निर्माण कार्य पुनः करके फिर उसको पुनः स्थापित किया गया, तो जो त्रुटि पाई गई थी उसके लिए क्या जिम्मेदारी तय करेंगे किसी अधिकारी के ऊपर में? आखिर वो जो त्रुटि पाई थी जिसके कारण उनको उतार के कई महीनों तक ठीक करना पड़ा, ठीक करने के बाद में, और उस बीच उनका वो भुगतान भी हो गया था उनको। जी जी, तो चलिए माननीय मंत्री जी बताइए क्या इसकी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये काम पूरा हो गया है, जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि काम पूरा हो गया है और इसका उद्घाटन भी हो गया है। उसका आपको धन्यवाद मिल गया। उसको बाद में ये बताया है कि तकनीकी त्रुटि भी नहीं पाई गई, तो जिसने उस पर इतने दिन का आपत्ति लगाया उस पर आप कुछ कार्रवाई करेंगे क्या? काम करने के दौरान उसमें जो भी त्रुटि थी उसको उसी समय ठीक कर लिया गया, काम करते करते जो भी परेशानी है उस समय देख लिया गया अध्यक्ष महोदय, तो वो काम करते करते उसको ठीक भी कर लिया गया, तो उसमें और कोई कार्रवाई लगभग माननीय मंत्री जी लगभग साल भर तक काम बंद था वो, और उसको नीचे उसको पूरा आर्च को बनने के बाद में पूरा नीचे उतारा गया था, तकनीकी त्रुटि रही जो भी कारण से, और उस बीच उसका पूरा भुगतान भी हो गया था, लेकिन उसको फिर पुनः नीचे उतार करके ठीक कराया गया। मैं नहीं कह रहा हूँ ठीक नहीं हुआ, ठीक हो गया वो, लेकिन इस बीच में जो तकनीकी त्रुटि हुई उसके लिए क्या कोई जिम्मेदारी तय करेंगे क्या किसी अधिकारी के ऊपर में? क्या फिर उसका भुगतान क्यों किया गया? महोदय, जब ये काम बन रहा था तो जो दाएं हिस्सा है वो बाएं हिस्से से थोड़ा सा अलग बन गया था, और ये कार्य के दौरान हुआ था, जिसको आइडेंटिफाई कर लिया गया और आइडेंटिफाई करके उसको ठीक भी करा लिया गया, तो फिर काम के दौरान ये हुआ और उसको ठीक भी करा लिया गया, तो इसमें फिर आगे, और चूंकि काम पूरा हो गया है मूल्यांकन के बाद भुगतान उसमें हुआ है, तो मुझे इसमें और कोई कार्रवाई लगता नहीं है। चलिए प्रमोद कुमार जी शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रमोद शर्मा प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, बलदावदार जिले में पशु चिकित्सालय में 49 पशु चिकित्सक की कमी है और छोटे एनिमल काटने की दवाई की भी कमी है बलदावदार जिले में। अरे पशु चंद्राकर जी प्लीज, प्रश्न कर रहे हैं आपके सामने, उनकी आवाज आने दीजिए। हाँ बताइए। छोटा सा समस्या है माननीय अध्यक्ष महोदय, बताइए बताइए। 49 सीट सहायक पशु चिकित्सक की कमी है बलदावदार जिले में, छोटे एनिमल काटने की दवाई की कमी है बलदावदार जिले में, पशु टीकाकरण करने की बहुत ही कमी है। ये छोटा सा समस्या है, और माननीय पटेल जी हमारे प्रभारी मंत्री भी है, मैं पूरा उम्मीद है कि आपके कार्य बहुत अच्छा है, आप आश्वासन दे दीजिए पूरा हो जाएगा काम। दे दीजिए भाई, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जो भी कमी है उसको अतिशीघ्र पूरा किया जाएगा। जी धन्यवाद मंत्री। धन्यवाद श्री रतन शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो आपसे आग्रह करूंगा कि मेरा जो प्रश्न है 7 नंबर, उससे मैंने एक प्रश्न किया है, प्रदेश में कितनी महिला स्वास्थ्य सहायता समूह द्वारा रेडू ट्रीट के माध्यम से पोषण आहार का निर्माण एवं वितरण? इसमें आधा प्रश्न तो हो चुका है, आधा ही बचा है, करिए। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार उत्तर कैसे देती है उसका एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। 4 नंबर में रजनीश जी ने पूछा है कि कितने महिला स्वास्थ्य समूह का कार्य छीन लिया जाएगा, इसमें लिखा जा रहा है रजनीश के उत्तर में कि बता पाना संभव नहीं। अरे मेरे में बता रहे हैं कितनी रेडी टू एट की समूह काम कर रहे हैं, तो जितने समूह काम कर रहे हैं सबका कार्य छीना जाएगा। 1605 समूह काम कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, और 16655 महिलाएं इसमें शामिल है। एक प्रश्न में उत्तर में ये बोल रहे हैं कितने लोग काम कर रहे हैं, दूसरे में बता पाना संभव नहीं। आपने लिखा है उसमें छीन लिया जाएगा, छीन कहां रहे हैं यार? छीन रहे हैं ना, पूरा कहां छीन रहे हैं? नहीं, जब पूरा काम ही बीज निगम, आप अपना अपने प्रश्न से जो उद्धृत हो रहा है, काम ही अगर बीज निगम को दिया जा रहा है तो पहला आपके प्रश्न से जो उद्धृत हो रहा है वो आपने जो प्रश्न में मेरे को उत्तर दिया है कि 1605 समूह काम कर रहे हैं और 16655 महिलाएं इसमें शामिल है, बीज निगम को काम देने से ये सारे समूह का रेडी टू ईट का काम बंद होगा कि नहीं होगा ये बता दो आप। आपको बता रहे हैं इसमें मानव रहित होना चाहिए, कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की आदेश थी, इसलिए मैंने प्रश्न किया है ये बंद होगा या नहीं होगा। महिलाओं को वितरण का काम देंगे, ये बंद नहीं होगा, सब काम बंद हो जाएगा माननीय अध्यक्ष। सिर्फ पूरे सदन बनाने का काम बंद होगा, क्योंकि जिस कार्य में छत्तीसगढ़ की 16555 महिलाएं लगी है
उसका काम छीनने का काम यह सरकार कर रही है और ये मानव रहित। अच्छा मैं आपको दूसरा प्रश्न कर लेता हूँ। का काम नहीं कर रहे हैं आप लोग जबरदस्त पांडे जी प्लीज बंद हो रहा है। पांडे जी प्लीज सर ये 1605 समूह जो काम कर रहे हैं रेडियो ट्रीट के निर्माण का वितरण का इनने क्या बिना कोई मशीन लगाए काम कर लिया क्या? जरा जानकारी दे दे इन समूह को कार्य देने के पहले सरकार ने समूह को काम देने का मापदंड क्या निर्धारित किया था कितनी मशीनें लगानी पड़ेगी तो वो मापदंड के अनुसार इन समूह को कार्य का आवंटन हुआ कि नहीं ये बता दें। समूह को आप हटाने की बात करते रहते हैं समूह अनुबंध के साथ साथ खत्म होते रहता है या नए आते रहते हैं जाते रहते हैं। मैंने पूछा क्या मापदंड निर्धारित मापदंड निर्धारित उसमें सभी आपको मापदंड का मैं वो दे दूंगी निकाल के और उसमें कभी कभी भुनने में ज्यादा भुन गया तो उनका सभी प्रोटीन विटामिन खत्म हो गया उस चीज का इसलिए स्वसंचालित मशीन से ही इनको कराना उचित है जिससे हमारे बच्चों को हाइजीनिक वो सामान मिलना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है सीधा सीधा मैंने सीधा सीधा प्रश्न किया था कि 1605 समूह को काम दिया गया ये काम देने के लिए शासन ने कोई मापदंड निर्धारित किया था क्या? वो मापदंड बता दे क्या क्या निर्धारित किया था। उनमें कुछ मशीन लगाने की अनिवार्यता थी वो सारी मशीनें समूह ने लगाई है कर्ज लेके लगाई है तो मापदंड बता दो ना और कितने समूह मापदंड के विपरीत काम करते हुए अनियमितता से काम करते हुए पाए गए ये आप जानकारी दे दो जिसके चलते आपको हटाने का निर्णय लेना पड़ा। बहुत से ऐसे समूहों का रिपोर्ट में आता था उनकी मापदंड उसमें जो मापदंड हमको बच्चों का देने का रहता था मैं मापदंड आपको निकलवा के दे देती हूँ पूरी। चलिए आपको दे देंगे। माननीय अध्यक्ष जी ये दे देती हूँ निकालने वाला काम उसमें सीधा इतने सालों से हम लोग मापदंड की कापी आपको दे दी जाएगी उपलब्ध करा दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है ये 1605 समूह जो काम कर रहे हैं इनने भी बैंक से लोन लेकर के बहुत सी मशीनें लगाई है संभव है हर समूह कर्जदार है और इन समूह से काम छीन करके इन सारे लोगों को कर्ज के बोझ में ढकेलने का काम ये सरकार कर रही है। सेठ लोगों को उपकृत कर रही है छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को उपकृत करने का काम कर रही है छत्तीसगढ़ के बाहर इसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का किस्मत डाली नंद। माननीय अध्यक्ष जी मैंने आपसे निवेदन किया था वो तीन पत्र छोटा पत्र का आपने उल्लेख किया 9, 12, 13 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की कापी आपके निर्णय की कापी आप उपलब्ध करा दो आप 6 पत्र पहले ही बोलती हूँ सुप्रीम कोर्ट का कापी आपको निर्देश मैं 6 पत्र की बात कर रहा हूँ आपने जो 6 पत्र कहा है माननीय छत्तीसगढ़ की महिलाओं को बेरोजगार करने उनके रोजी रोटी को छीनने का काम सरकार कर रही है बिल्कुल हम उपलब्ध करा देंगे। चलिए किस्मत लाल जी धन नहीं इसमें सीधा सीधा छत्तीसगढ़ की महिलाओं को किस्मत लाल धन ये किस्मत लाल नंद उसका पहला प्रश्न है बिना निविदा बुलाए आपने कंपनी को काम दे रहे हैं बिना बुलाए किस्मत लाल जी नंद आप प्रश्न करिए सुप्रीम कोर्ट का आड़ लिया जा रहा आप संवेदनशील आदमी हैं आप वो संयंत्र की जांच करा लीजिए किसी के भी सामने 74% इसकी भागीदारी है आज के समय में वो काम नहीं कर रही है ये बड़ा भ्रष्टाचार है इसमें एडवांस लिया जा चुका है छत्तीसगढ़ के 16,000 महिलाओं की कीमत पर किस्मत लाल जी नंद अध्यक्ष महोदय जवाब से संतुष्ट
मैं समझता हूँ आप बैठिए बैठिए, आप लोग बैठो यार। बैठे ना, बैठे, मैं बैठा हूँ, बैठा हूँ पूरे समूह में। आप एक मिनट, आप बैठे, प्लीज 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 आप बैठिए ना, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ। माननी वैसे संसदीय प्रक्रिया है, जब अध्यक्ष खड़ा हो जाता है तो आप लोगों को बैठ जाना चाहिए। तो नए विधायकों को सिखाने की जरूरत है, पुरानों को नहीं होनी चाहिए। एक तो चंद्राकर जी घर से उत्तेजना में आते हैं और आप सब लोग खड़े होके उनको और उत्तेजित करते हैं, ये उचित नहीं है। क्योंकि इस प्रश्न पे प्रश्न क्रमांक 4 भी आया, प्रश्न क्रमांक 7 भी आया, पर्याप्त उत्तर जानकारी मिल गई, फिर भी मैं माननीय नेताजी को अंतिम प्रश्न के लिए निर्देशित करता हूँ। अजय चंद्राकर का स्वास्थ्य का जांच का आदेश भी दे दीजिए माननीय अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, जब भी नेता प्रतिपक्ष खड़े होते हैं, खड़े जाते हैं चारों पांच हजार हमेशा बोलने के लिए। माननीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी ने कहा सब चुप है, तो सब चुप भी रहे, भाग के यहाँ घूम रहे थे। अजय चंद्राकर नेता प्रतिपक्ष बनना चाह रहे थे, नहीं बन पाए, सब गायब है। मानने को तैयार नहीं हूँ नेता प्रतिपक्ष, ये जांच कराई जाएगी। इस बात का जवाब आना चाहिए, अध्यक्ष महोदय इस बात का जवाब आना चाहिए कि गोल गोल क्या घूम के कर रहे थे, गोल गोल क्या घूम रहे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आजकल इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। क्या सवाल जी आप माननीय अध्यक्ष के इस माननीय मंत्री माननीय अध्यक्ष चंद्राकर शाहवाजी दली जी का कौशिक जी आप चलिए आगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, चीफ सेक्रेटरी, तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, नंबर वन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश, और उस आदेश के बाद में उसको कैबिनेट में रखा गया नहीं रखा गया, पंजरी प्लांट के संदर्भ में फिजिकल वेरिफिकेशन, और इसलिए इन बातों को मैंने कहा है कि स्पष्ट रूप से आ जाए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश और उसके बाद में चीफ सेक्रेटरी ने जो हलफनामा दिया, महिलाओं का रोजगार उसमें सुरक्षित है, महिलाओं को उसमें रोजगार दिया गया। ये जो 2013 के केंद्र सरकार की पत्र की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया फरवरी 2019 का है, और फरवरी 2000 का जो निर्णय है, मुंबई हाईकोर्ट का जो फैसला दिया गया था 6 का और उसके पहले और बाद का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एबालिश किया, और उसके बाद में जो निर्णय आया जिसमें महिलाओं को अधिकारों को संरक्षित किया गया है रेडी टू हिट के, इसलिए जब तक वो पत्र को यहां पर नहीं आएंगे और उसकी जानकारी मंत्री जी नहीं देंगे, मैंने इसीलिए कहा तो 1 अप्रैल से जो लागू करने की बात है, इसके पहले अभी आज या तो इसको बढ़ा दिया जाए, और नहीं तो सारे पत्र का परीक्षण हो जाए, उसमें जो दिया गया है महिलाओं के पक्ष में है, और इसलिए रेडियो ट्वीट का काम महिलाओं से न छीना जाए, ये सारे पत्रों का अवलोकन, और अवलोकन के बाद में उसके निर्णय के बाद में ही उसको दिया जाए। चलिए कुछ कहना है आपको मानिए मैं उत्तर देने के लिए नहीं खड़े हुआ हूँ। माननीय नेताजी ने अभी कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने एबॉलिश कर दिया, इसका क्या मतलब हुआ जरा बता दीजिए। उन्होंने जो बॉम्बे हाईकोर्ट का जो निर्णय आया था 2006 और कुछ मामले को लेकर के, जो लोगों ने पिटीशन लगाया था, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है जिसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी ने हलफनामा दिया तत्कालीन चीफ, और उसके बाद में महिलाओं का अधिकार उसमें सुरक्षित है, जिसके कारण में आज तक महिलाएं चला रही है। ये जो हवाला दिया जाता है कि 2013 में केंद्र सरकार का जो पत्र आया और इसके कारण हमको जो देना है,
ये बहाना है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है आपका फरवरी 2019 में, पत्र आपका जो जारी हुआ है केंद्र सरकार का वो 2013 का है, इसलिए मैंने सारे बातों का उल्लेख किया है कि जब तक ये पत्र ये नहीं देंगे और उसमें जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का उसके अनुसार से महिलाओं का अधिकार सुरक्षित है, तो ये बहाना ना करें 2013 का केंद्र सरकार का पत्र का सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार से महिलाओं का अधिकार सुरक्षित है। महिलाओं की नंदबंदी कांड में किस्मत लाल जी नंद सरकार महिलाओं की आज अरे किस्मत लाल जी नंद आप पूछिए, पहले तो प्रश्न आया आपका, आप भी नहीं पूछ रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय कृषि बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने एवालिश किया कि वर्ष मेरी जानकारी के हिसाब से एवालिश काम का न्यायालयीन प्रक्रिया में कोई शब्द नहीं है, तो वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। चलिए छोड़िए उसको, छोड़िए किस्मत लाल की नंद, किस्मत बनाने दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, अरे हो गया आप बात, बात खत्म हो गई। महत्वपूर्ण विषय मान्य वर्तमान में संयंत्र 16,555 महिलाओं का से जुड़ा हुआ मामला है, उस पर उत्तर ही नहीं है। अब वो खड़ी हुई है तो आप दिल्ली गए हो, आप शर्मा जी कहाँ सुन रहे हैं, वो तो खड़ी है। मैं बता रही हूँ ना, बम्बई के साम्राज्य से कोई संबंधित नहीं है, एक आपको बता दे रही हूँ। राज्य ये इसको नहीं मानती, बम्बई का जो केस जो आप बात कर रहे हैं वो, और वर्तमान में संयंत्र क्रियाशील है, सभी चीज का परीक्षण करा के पूरे कोर्ट का और इसका सब का परीक्षण, जरूरत नहीं है जांच का, आपके कहने से क्या जांच कराएंगे, जरूरत नहीं है जांच कराने का। आप देखेंगे हमारा विभाग भी देख के आया है सब, सवाल है माननीय अध्यक्ष महोदय, किस्मत लाल जी नंद माननीय अध्यक्ष जी, बार बार सुप्रीम कोर्ट की बात आ रही है तो उस बारे में माननीय मंत्री जी कुछ बोलना चाह रही है, एक मिनट खाली बोलिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से उनके आदेशों का पालन करते हुए ये संचालित किया जा रहा है, इसमें आप लोगों के कहने से हमारा कोई जांच नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष जी, 16,000 परिवार का मामला है। माननीय अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रही है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। ये क्या हर काम भारतीय जनता पार्टी अपने नियम के अनुसार करेगी क्या? कोर्ट का कहना नहीं मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाइजीनिक उपलब्ध करवाएं, उन्होंने ये नहीं कहा कि महिलाओं से आप छीन लें। जरा मुझे ऑर्डर बता दे, मैंने ऑर्डर पढ़ा है कि बच्चों को हाइजीनिक फूड उपलब्ध करना चाहिए, और हाइजीनिक फूड्स के लिए हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाओं को लोन देकर और ये घर घर में छोटी छोटी फैक्ट्री लगवाई गई और उनके द्वारा ये बनाकर रेडी टू हीट सप्लाई किया जा रहा था, और उसको बंद करकर मध्य प्रदेश में अभी घोषणा हुई है कि महिला स्व सहायता समूह बनाएंगे, अभी 3 दिन पहले विधानसभा में घोषणा हुई है, महिला दिवस के दिन घोषणा हुई है। जब मध्य प्रदेश कर सकता है, हमसे 4 गुना बड़ा है, तो हमको क्या दिक्कत है इसको पकड़ने में? चंद्राकर जी, पिछले सरकार को जो एडवांस दिया था आपको, 16,000 परिवार को आप
अपना एडवांस लेते थे उसी इतना साल ये सिर्फ 16,000 महिलाओं का सवाल नहीं है, 16,000 परिवार, उन परिवार से आश्रित लोग, लगभग इससे ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था जो चलती थी कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो सामान खरीदते थे उसको करते थे। चलिए छोड़िए अग्रवाल जी, अग्रवाल जी आप विलंब से आए हैं, एक मिनट बैठ जाइए। इस प्रश्न पे चौथे नंबर पर चर्चा हो चुकी है, अभी माननीय का प्रश्न सातवें नंबर पर है, उस पर चर्चा हो रही थी। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन परिवारों को बेदखल नहीं किया जा रहा है, उनसे ही काम लिया जाएगा। बच्चों के साथ में जो ममत्व महिलाओं का होता है उस ममत्व को आप समाप्त कर रहे हैं। अगर महिलाएं बनाएंगी तो उनका प्रेम भी उसमें होगा और उनका ममत्व होगा, उनके साथ में प्रेम होगा। और उनको कोई बेरोजगार नहीं कर रहा है, उनको ही काम दे रहे हैं। कहां से व्यवस्था होगी? सफाई का ठेका बाहर वालों को दिया, गाय को दिया था। आप संधि से निर्देशित करें कि इनको काम दिया जाए, आपसे आग्रह कर रहे हैं। सुरतन शर्मा जी आप तो वकील हैं, सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट में ए भकलू ए भकलू भकलू सुना कर दो अभी मांगे अध्यक्ष जी, आप वकील हो क्यों नहीं अपील कर देते? मांगे अध्यक्ष जी अपील करके सुप्रीम कोर्ट के मामले में सरकार को यू टर्न लेना पड़ा, फिर पंचायत मामले में भी यू टर्न लेना पड़ेगा। और यह सरकार महिलाओं के अधिकारों को छीन रही है। ग्रामीण महिलाएं जो छोटे छोटे उद्योग चलाना सीख रही थी उनका अधिकार छीन रहा है, वो भी सब पर्चार हैं, सब समूह पर्चार हैं। और उन्होंने सबसे लोन लिया, लोन लेकर उन्होंने छोटी छोटी मशीनें लगाई, पूरा परिवार उनका लगता है और उन परिवार के लगने के कारण उनको रोजगार मिलता है, उनका रोजगार छीन कर। और हम किसी उद्योगपति को दें, मुझे ये बता दें सुप्रीम कोर्ट का कौन सा आदेश है जिसमें कहा कि उद्योगपति को दिया जाए, महिलाओं से नहीं करवाया जाए, जरा ये बताए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाइजीनिक उपाय से करवाएगा, प्रश्न है। और इसी आदेश के कारण घर घर में महिलाओं को उसको बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। नंद का प्रश्न है और ये उचित नहीं है। माननीय जवाब नहीं आ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय आपका निर्देश चाहिए, आप इधर देखिए ना, हम लोग इधर देख रहे हैं, हम इधर बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी महिलाओं का मामला है, अध्यक्ष महोदय संधि से निर्देश होना चाहिए और मंत्री जी को जांच की घोषणा कर दीजिए और सदन की कमेटी बनवा दें। आप एक मिनट महिलाओं के अध्यक्ष नहीं चलेंगे, महिलाओं के अध्यक्ष नहीं चलेंगे।